यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर मेरे पीछे इस वक्त आप राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं, जहाँ से लगभग 22 घंटों के बाद नई सरकार शपथ लेने जा रही है। और इस शपथ की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। देश विदेश के जो मेहमान हैं खास, उनके आने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन इन सब के इतर मन में कई सवाल हैं। सवाल इस सरकार के रूप को लेकर, सरकार कैसी होगी, मंत्रिमंडल कौन होगा, जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के यानी एनडीए में जो दूसरे दल हैं उन्हें कौन कौन से विभाग मिलेंगे, किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा और क्या सहयोगी दल उस पर तैयार होंगे यानी उस पर राजी होंगे। ऐसे कई सवाल अभी भी मन में बने हुए हैं क्योंकि संभावनाएं और कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं, लेकिन असल हकीकत क्या होगी, असल रूप कैबिनेट का क्या होगा, ये फिलहाल साफ नहीं। लेकिन आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। प्रभु राम का आशीर्वाद, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी जी, तीसरी बार नहीं चौथा बार भी बनने वाला है। नरसिम्हा राव भी यहाँ चलाए थे गठबंधन की सरकार और उनकी अल्पमत की सरकार 302 या 303 के आंकड़ा पर पहुँचे हैं, इनकी तो बहुमत की सरकार है। तो नया सरकार बनने जा रही है के लिए शुभकामनाएं। एनडीए की दल की बैठक में सर्वसहमति से हमने प्रधानमंत्री जी को चुना है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से सेवा का अवसर दिया है, ये जनादेश विकसित भारत का है। शामियाना तैयार हो चुका है, लाल कालीन बिछाए जा चुके हैं, कुर्सियों की कतार तैयार है, समारोह में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान पहुंचने लगे हैं, राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट को सजाया जा रहा है, वो स्टेज तैयार हो रहा है जिस पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान होने की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन का ये फोर कोर्ट है और यहाँ पर मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारियाँ चल रही हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर देश विदेश के मेहमान आएंगे, उनके लिए इंतज़ाम किए गए हैं, कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं और ये जो तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं इसका एक अहम जो हिस्सा है वो है मंच, जहाँ पर जो विशिष्ट मेहमान होंगे वो वहाँ पर होंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाई जाएगी। देखिए सामने की ओर वो मंच है और उस मंच को भी तैयार किया जा रहा है, बहुत ही तेज़ी से ये काम चल रहा है क्योंकि शपथ ग्रहण 9 जून को होना है। सुरक्षा के बहुत ही विशेष इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं, जिनको पास होगा, जिनके पास उनके अलावा कोई यहाँ पर शिरकत नहीं कर पाएगा और बेहद ही खूबसूरती से रात के वक्त ये जगह जो है रोशनियों से जगमगाएगी। चंद घंटे की ही देरी है जब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखेगी। 2014 में भी देखा था, 2019 में भी देखा था, इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई। सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों के सहारे की जरूरत है। इनमें 16 सीटों वाली टीडीपी, 12 सीटों वाली जेडीयू, 7 सीटों वाली शिवसेना और 5 सीटों वाली एलजेपी है। इसीलिए 2024 की राह अलग है, समीकरण अलग है और सवाल भी अलग है। मसला, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्या अमित शाह फिर गृह मंत्री बनेंगे, क्या राजनाथ सिंह फिर रक्षा मंत्री बनेंगे, वित्त मंत्रालय का जिम्मा किसे मिलेगा, नीतीश की पार्टी से कितने मंत्री होंगे, नायडू अपने किन नेताओं को मंत्री बनाएंगे, कितने पुराने मंत्री रिपीट होंगे, कितने नए नेताओं का नंबर आएगा, एनडीए में मंत्रालय के बंटवारे का फार्मूला क्या होगा, क्या फार्मूला सहयोगियों को कबूल होगा। इन्हीं सवालों को लेकर देश की राजधानी की राजनीति गरमाई हुई है, बैठकों के दौर पर दौर चल रहे हैं, बीजेपी से लेकर एनडीए की मीटिंग हो रही है जिससे छन कर खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, इनमें 7 कैबिनेट और 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। बता देते हैं कि इसकी फिलहाल आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ ही एनडीए के बाकी दलों के लिए भी मंत्रियों के नाम करीब करीब फाइनल हो चुके हैं।
लिहाजा सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिम्मेदारी और वैल्यू के हिसाब से मंत्री पद की कितनी कैटेगरी होती है। इनमें पहला होता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा टॉप 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री होते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है कैबिनेट मिनिस्टर, जो बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालते हैं। तीसरी होती है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मसलन छोटे छोटे विभागों के राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। और चौथी कैटेगरी होती है राज्य मंत्री, मतलब ऐसे मंत्री जो किसी न किसी मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के साथ काम करते हैं। इनके अलावा स्पीकर का पद भी बेहद अहम होता है, इसीलिए इन सभी को लेकर जबरदस्त माथापच्ची हो रही है। वैसे सूत्र बता रहे हैं कि मंत्रियों के नाम करीब करीब फाइनल हो चुके हैं। बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी अपने पास रक्षा, वित्त, गृह और विदेश मंत्रालय रखेगा। ये फैसला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई बैठक के दौरान लिया गया है। इतना ही नहीं, लोकसभा की स्पीकर का पद भी बीजेपी के पास ही रहेगा। वहीं जो पुराने मंत्री अपना चुनाव जीतकर वापस आए हैं, उनको एक बार फिर से कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उसी उत्तर प्रदेश में लगा है, जहां से उसे 2 बार ऐतिहासिक जनादेश मिला। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी 3.0 में यूपी से मंत्रियों की संख्या कम हो सकती है। मोदी 2.0 में कुल 72 मंत्रियों में से यूपी से 13 मंत्री शामिल थे, लेकिन इस बार यूपी में बीजेपी की 29 सीटें कम हुई हैं। कई मंत्री भी चुनाव हार चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में राज्यों के फॉर्मूले का ध्यान रखा जाएगा। जातीय समीकरणों के मुताबिक मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में महिला सांसदों की हिस्सेदारी भी बढ़ सकती है। इस लिहाज से यूपी के कई नेताओं के नामों को लेकर चर्चा हो रही है। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार यूपी का जो कोटा है वो बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है। सबसे अहम बात होगी वो होगी सोशल इंजीनियरिंग, और उसमें भी दलितों और पिछड़ों की भागीदारी, जिसका सीधा सा मतलब होगा लोकसभा चुनाव के नतीजों के सबक। और उसी को देखते हुए अनूप वाल्मीकि का नाम हो, चाहे वो पंकज चौधरी का नाम हो, एसपी सिंह बघेल का नाम हो, छत्रपाल गंगवार का नाम हो, या अगर ब्राह्मण चेहरों की बात करें डॉक्टर दिनेश शर्मा और महेश शर्मा, इस तरह के नाम, या लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम, ये सब इसी कॉम्बिनेशन और इसी समीकरण को देखते हुए ये सारे नाम सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 दलित समाज के मंत्री बनाए जा सकते हैं। आगरा से चुनाव जीते एसपी सिंह बघेल के अनुभव को देखते हुए उनको मोदी कैबिनेट में मौका मिल सकता है। हाथरस से चुनाव जीते अनूप वाल्मीकि को भी जगह मिल सकती है। ओबीसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बुलंदशहर से चुनाव जीते भोला सिंह, महाराजगंज से चुनाव जीते पंकज चौधरी, यूपी की तरह ही बिहार से भी मंत्रियों की लिस्ट में कई नाम हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के 2 सांसद मंत्री बन सकते हैं। इनमें लोकसभा सांसद ललन सिंह और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर का नाम चर्चा में है। चर्चा नहीं है वो, आप अपना चर्चा कर रहे होंगे। आप अपना कल प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुने कि टीवी पर बहुत ब्रेकिंग न्यूज चलता है, ब्रेकिंग न्यूज से मंत्री नहीं बनता है, तो आप ब्रेकिंग न्यूज वाले हैं। हमारा संस्कार है कि जो आते हैं यहाँ, आए नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए, सिर्फ मिलने के लिए आए, कोई बात नहीं है। जब कुछ होना होगा तो जब आएगा इन्फॉर्मेशन तो आप सबों को मालूम हो जाएगा। जेडीयू के साथ ही एलजेपी की हिस्सेदारी हो सकती है। चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी सीटें जीत ली। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान को कैबिनेट में एक जगह मिल सकती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपनी पार्टी हम के इकलौते सांसद हैं, बावजूद इसके उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। आपस में बैठ कर के मंथन चल रहा होगा कि भाई मंत्री कितने बनेंगे, किनको मंत्री बनाना है, किनको क्या विभाग देना है, ये तो उन लोगों की बात है। हायर अप्स में चल रहा है, उस कमेटी में या उस कोर ग्रुप में हम नहीं हैं। सारी बातें तो स्पष्ट है कि वो होना है, लेकिन कितने मंत्री पद का गोपनीयता का लेंगे शपथ, किनको किनको लेना है, ये सब तो सब प्रधानमंत्री और उनके जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो लोग समझते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। काराकाट से चुनाव हार चुके उपेंद्र कुशवाहा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। गठबंधन की सरकार है
तो गठबंधन में डिपेंडेंट जैसा कहना उचित नहीं है। सब लोगों के सहयोग से सरकार चलेगी और ऐसा कोई पहली बार थोड़े हुआ है। जो हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है डेमोक्रेसी में, उसमें बिल्कुल इसी तरह की व्यवस्था हो सकती थी आज की तारीख में, और पहले भी इस तरह की व्यवस्था हुई है। पहले भी एनडीए की सरकार इस तरह से चली है। फिर नरेंद्र मोदी जी का इतना अच्छा कुशल नेतृत्व है कि सबको जोड़ करके ले चलने की पूरी क्षमता उनके अंदर है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 साल पूरी मजबूती से सरकार चलेगी, देश चलेगा। बिहार की तरह ही महाराष्ट्र में भी बीजेपी को सहयोगियों को साधना बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र से बीजेपी के 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री हो सकते हैं। इनमें पीयूष गोयल, नितिन गडकरी और उदयन राजे भोसले का नाम चर्चा में है। उदयन राज सातारा से सांसद हैं, मराठी चेहरा होने के साथ ही शिवाजी महाराज के वंशज हैं। इसके अलावा रक्षा खडसे का नाम भी चर्चा में है, जो तीसरी बार चुनकर आने के साथ ही सीनियर लीडर एकनाथ खडसे की बहू है। आदिवासी समाज से आने वाले हेमंत सावरा के नाम को लेकर भी अनुमान लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 7 सीटें जीती हैं। शिवसेना को 1 मंत्री पद मिलना तय है। इनमें शिवसेना के सबसे सीनियर लीडर प्रतापराव जाधव का नाम शामिल है। एनसीपी अजित पवार गुट में प्रफुल्ल पटेल मंत्री बन सकते हैं। तो अब से चंद घंटों की देरी के बाद देश की विरासत को संभाले राजपथ एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि ऐसा दूसरी बार होगा जब देश का कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहा है। हालांकि 1962 में जवाहरलाल नेहरू ऐसा कर चुके हैं, इसीलिए यह दूसरा मौका है। इस बार एनडीए में बीजेपी को पूरी तरीके से बहुमत नहीं है और इसीलिए एनडीए सहयोगियों के दलों के साथ ये सरकार बनने जा रही है। ऐसे में अपने सांसदों को एडजस्ट करने के साथ साथ सहयोगी दलों को भी खुश करना होगा, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार। सबको खुश करके ही सरकार बनानी पड़ेगी। अब ये सब कुछ मुमकिन कैसे होगा, जरा ये रिपोर्ट देखिए आप। हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। संसद के सेंट्रल हॉल में खुशनुमा माहौल था। नीतीश ने तारीफ की, नायडू ने बेस्ट पीएम बताया। And also is the execution today. India is having the right leader, right time. That is Narendra Modi. अब बारी सरकार में हिस्सेदारी की है, इसलिए शपथ से पहले बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है। पूर्व सांसद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबियों में शुमार आनंद मोहन ने बिहार के हिस्से रेल मंत्रालय देने की मांग की, बाकायदा दलील भी दी। तो एनडीए की सरकार ही बन रही है, लेकिन नीतीश कुमार हैं जरूरी। और मैं सुन रहा था, कहीं देख रहा था कि आपने रेल मंत्रालय वाली डिमांड भी रख दी है। नहीं, मैंने डिमांड नहीं रखी। डिमांड रखने का मेरा ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। डिमांड जो करेंगे हाईकमान करेंगे पार्टी के। जैसा कि आप सबने खबर चलाई कि जेडीयू की तरफ से रेल मंत्रालय मांगा जा रहा है, कृषि मंत्रालय मांगा जा रहा है, वित्त मांगा जा रहा है, उसी के साथ साथ भूतल परिवहन। ये आप ही लोग सवाल उछाले, आप ही हमारे मुंह से डलवा रहे हैं कि आनंद मोहन जी ने मांगा। मैं कौन होता मांगने वाला? लेकिन मैंने कहा कि अगर ये मंत्रालय जेडीयू मांग रही है, ये मांगे उनकी हैं, तो जायज। आनंद मोहन बिहार के शिवहर से जेडीयू की सांसद चुनी गई लवली आनंद के पति है। इस बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बड़ा दावा किया है। कहा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर मिला था। नीतीश कुमार जी बहुत कैटेगरिकली थे कि हम दाएं बाएं कहीं नहीं, अब एनडीए का हिस्सा हैं, इसी को मजबूत करेंगे। चर्चाएं तो क्या, सच बात तो ये है कि जो नीतीश कुमार जी को संयोजक पद के लिए तैयार नहीं थे, वो अब उनको प्रधानमंत्री के ऑफर दे रहे हैं। यद्यपि ऐसी किसी भी प्रस्ताव को हम रिजेक्ट कर चुके हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का ऑफर कहां से आ गया
और किसने दे दिया सर? इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने ये प्रस्ताव दिया है कि अगर नीतीश कुमार जी को हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार। केसी त्यागी के दावे को लेकर कांग्रेस ने भी जवाब देने में देर नहीं की। कांग्रेस ने क्लियर कहा कि उसे इसकी जानकारी नहीं है। केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इस बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? उसी तरफ जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या ऑफर खुला है? आपको जवाब मिल गया? सियासत है, शपथ ग्रहण तक होती रहेगी, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बहुमत से 32 सीटें दूर बीजेपी को 272 के आंकड़े को पार करने के लिए सहयोगियों की जरूरत है। इनमें 12 सीटों वाले जेडीयू के साथ 16 सीटों वाली टीडीपी शामिल है। जाहिर है बीजेपी सबसे पहले बड़े पार्टनर्स को साधेगी, जिनके छिटकने का डर कम हो या बार बार उनसे डीलिंग न करनी पड़े। इनमें सबसे बड़ा नाम टीडीपी का है। एनडीए में बीजेपी के बाद टीडीपी के पास ही सबसे ज्यादा सांसद हैं, इसीलिए मंत्री भी उसी के ज्यादा होंगे। टीडीपी से 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल मंत्री पद के लिए श्रीकाकुलम सीट से जीते राम मोहन नायडू, गुंटूर से जीते पेम्मा सानी चंद्रशेखर और नरसारावपेट से जीते एल श्रीकृष्ण देवरायलू का नाम तय है। विशाखापट्टनम से जीतने वाले श्री भरत को भी जगह मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर ये भी है कि मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली टीडीपी की नजर कई अहम मंत्रालयों पर है। इनमें बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय शामिल है। इसके बदले में टीडीपी आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 4 मंत्रालय देने पर विचार करेगी। यही नहीं, टीडीपी राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग और अमरावती के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी मांग सकती है। ये और बात है कि इसे लेकर अभी तक फाइनल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि टीडीपी के साथ ही कर्नाटक में बीजेपी के सहयोगी जेडीएस को भी मंत्री पद मिल सकता है। जेडीएस सांसद एचडी कुमारस्वामी को मंत्री बनाया जा सकता है। केरल में बीजेपी को पहली सीट दिलाने वाले सुरेश गोपी भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। नई कैबिनेट में 2 महिला मंत्री भी शामिल की जा सकती हैं। ओडिशा से अपराजिता सारंगी के कैबिनेट में आने की पूरी संभावना है। सारंगी भुवनेश्वर से लगातार दूसरी बार सांसद चुनी गई है। दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। तेग देव तुल्य मतदाता के प्रति जिन्होंने भाजपा का चयन करा है, इस जीत का पूरा श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता और उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को जाता है। 100 दिन का पूरा एक्शन प्लान तैयार है, उसके लिए एक विस्तार से प्रेस वार्ता कर आपको जरूर बताऊंगी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अधिकतम 71 मंत्री और दूसरे कार्यकाल में अधिकतम 72 मंत्री थे। हालांकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सभी मांगे मानना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन नीतीश और नायडू पहले भी एनडीए सरकार में रह चुके हैं, इसलिए दोनों को मनाना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या मंत्रिमंडल का फॉर्मूला सहयोगियों को कबूल होगा? तो इसलिए लिमिट हमारे पास 79 की है कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्य को मिला करके उसकी संख्या बनती है 79। तो बीजेपी के पास लगभग इस वक्त 340 के करीब एमपी बनते हैं दोनों सभाओं के मिला करके, तो लगभग उनको 60% के मंत्रिमंडल का पद बीजेपी के सदस्यों को मिलना चाहिए, बाकी 35% जो है अपोजिशन को मिलेगा। नहीं देखिए, पहले भी मोदी जब 2014 में बने थे, जब 2019 में बने, तब भी एक फार्मूला तय हुआ था कि कितने एमपी पर एक मंत्रालय मिलेगा। तो 2019 में बीजेपी की सीटें बहुत बढ़ गई, तो ये तय हुआ जितने एलाइज है सबको एक एक मिनिस्ट्री मिलेगी। इस बार जो है गठबंधन की सरकार है, बीजेपी की का अपना बहुमत नहीं है, तो इसलिए तय होगा कि कितने सांसद पर एक मंत्रालय मिलेगा। वो उसका एक फार्मूला बनेगा, उसी के हिसाब से बंटवारा होगा। कई दल ऐसे हैं जिनके मंत्री सांसद ही एक है, अनुप्रिया पटेल है, हम हैं, जीतन राम मांझी है, पवन कल्याण के दो हैं, तो उनके लिए भी कुछ कुछ अलग तरीके का फॉर्मूला काम में लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो उसके स्थायित्व के लिए ज़रूरी है। छोटे छोटे दल अभी जो राजनीतिक स्थितियाँ हैं वोलेटाइल जो है उसमें दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि अपने कुछ मंत्री कम रख लें, लेकिन सहयोगी दलों को सेटिस्फाई करना जरूरी होगा, ये उसकी प्राथमिकता रहेगी। बहरहाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार मिलीजुली सरकार बनने जा रही है। निश्चित रूप से इस बार नई चुनौतियां होंगी, लेकिन जिस विश्वास के साथ प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, लगता है मिलीजुली सरकार को भी अच्छी तरह चला लेंगे। राजनीति में कब मुलायम होना है और कब कठोर, प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह जानते हैं। और शपथ ग्रहण से कुछ घंटों पहले राष्ट्रपति भवन के बाहर से ये स्पेशल बुलेटिन मेरे साथ देख रहे हैं आप। 2024 का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा, जिसे बहुमत मिला वो भी खुश, जिसे बहुमत नहीं मिला वो भी खुश। इस चुनाव में बदले की आग देखी गई, बदलों पर ये चुनाव लड़ा गया। किसी ने अपने पिता का हिसाब चुकता किया तो किसी ने अपनी पुरानी हार का बदला लिया। इस चुनाव में कई रंग देखने को मिले, काफी दिलचस्प कहानियां भी नजर आई। लेकिन इस चुनावी चक्रव्यूह में कोई अभिमन्यु बना, कोई बना कर्ण, लेकिन निशाना उसी ने साधा जो बना अर्जुन। सियासत में सिर्फ हार जीत नहीं होती, बदला भी होता है। और ऐसा ही एक बदला है राहुल गांधी का, क्योंकि जिस अमेठी में कभी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हराया था, उसी अमेठी में इस बार राहुल गांधी ने अपने एक सिपाही से स्मृति ईरानी को चुनाव हरवा दिया। स्मृति ईरानी ना कुछ समझ पाई, ना बदलते वक्त को भांप पाई। वो पूरे चुनाव में राहुल गांधी का नाम लेकर उन्हें ललकारती रही। उधर कांग्रेस के एल शर्मा ने खेल कर दिया, स्मृति ईरानी को बड़े मार्जिन से चुनाव हरा दिया। डर जरूर था कि गांधी परिवार की कॉन्शियंसियत मेरे को लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन लोगों ने, गांधी परिवार ने मेरी आसान कर दी रहा जब उन्होंने खुद कॉन्शियंस में जाके बोला कि जस्ट लाइक इज फैमिली मेंबर, तो राहें आसान होती गई। इस जीत के मायने राहुल गांधी के लिए क्या हैं? इसे इस तस्वीर से समझ सकते हैं। जब किशोरीलाल शर्मा जीत का सर्टिफिकेट लेकर दिल्ली पहुंचे तो पूरा गांधी परिवार उनके स्वागत में खड़ा था। सांसद जी कैसे हैं आप? मैं तो मैंने आपकी वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा लगा मेरे को। इस बदले की कहानी में दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी को मैदान में उतरने की जरूरत तक नहीं पड़ी, उनका फेंका गया एक एक पासा सही साबित हुआ। क्योंकि सोचिए, जिस केएल शर्मा का चुनाव से पहले नाम तक नहीं सुना था, वो हर मोर्चे पर 21 साबित हुआ। उधर स्मृति किशोरीलाल शर्मा के आने के बाद ये समझती रही कि उनके लिए मुकाबला क्लियर है, पर अमेठी में लगे ये पोस्टर बदले की आग को हवा दे रहे थे। और फिर 4 जून को जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा। 24 की इस चुनावी जंग में केंद्र सरकार के कई मंत्री चुनाव हारे, लेकिन सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई मंत्री चुनाव हारा तो वो स्मृति ईरानी थी, जो 1,67,196 वोट से चुनाव हारी। इस बात की टीस कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को भी होगी। लेकिन चुनावी बदले का केंद्र सिर्फ अमेठी नहीं है, वो कैराना भी है, जहां से बीजेपी को हिंदुत्व के मोर्चे पर बड़ी ताकत मिलती रही है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की एक लंदन रिटर्न उम्मीदवार ने न सिर्फ बीजेपी का गढ़ ढहा दिया, बल्कि बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी से अपने मां और भाई की हार का बदला भी ले लिया।
हमारी ये पीडीए की जो लड़ाई है जिसके बलबूते पर इतनी बड़ी जीत हासिल हुई, इसको हमें आगे बढ़ाना है, सामाजिक न्याय दिलाना है युवाओं के लिए। पहले तो इस सरकार ने जो अग्निवीर की योजना लागू करी है तो ये बहुत ही गलत योजना है। सभी मुद्दों का हम विरोध करेंगे और युवाओं के रोजगार के लिए सरकार से मांग। दरअसल 2019 में बीजेपी के प्रदीप चौधरी ने इकरा हसन की मां तबस्सुम हसन को चुनाव हराया था। वहीं 2012 की विधानसभा चुनाव में प्रदीप चौधरी ने इकरा हसन के भाई नाहिद हसन को भी हराया था। लेकिन 29 साल की इकरा हसन ने एक जीत से पुरानी सभी हार का बदला ले लिया और 69,000 वोट से चुनाव जीतकर कैराना फतह कर दिया। चुनाव बदले का एक गढ़ इस बार आजमगढ़ भी रहा, जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी के दिनेश लाल यादव को चुनाव हराकर उपचुनाव में मिली शिकस्त का बदला लिया। लोगों को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और वहां के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया समाजवादियों को, उसके लिए विशेष तौर पर वहाँ के लोग आभारी हैं। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जब अखिलेश ने आजमगढ़ सीट से इस्तीफा दिया था, तब धर्मेंद्र यादव ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे दिनेश लाल यादव ने उन्हें चुनाव हरा दिया, जिसके बदले की आग धर्मेंद्र यादव के दिल में धधक रही थी। और जब 2024 का चुनाव आया तो धर्मेंद्र यादव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। खुद अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र के लिए प्रचार किया। यही जन समर्थन हमें भरोसा दिला रहा है कि ना केवल यहां से धर्मेंद्र यादव जी जीत करके जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से यहां की जनता उन्हें इस बार लोकसभा में भेज रही है। नतीजा ये हुआ कि जो धर्मेंद्र 2022 में उपचुनाव में 10,000 वोट से हारे, वो 2024 में 1,61,000 वोट से चुनाव जीत गए। हार जीत के इस महाकुंभ में एक बदला कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल के मुखिया राजा भैया का भी था, जिन्होंने कौशाम्बी से बीजेपी के सांसद रहे विनोद सोनकर के खिलाफ जब मोर्चा खोला तो हवा का रुख प्रतापगढ़ तक बदल गया। नतीजा ये हुआ कि इन दोनों ही सीट पर बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई, जिससे कौशाम्बी में एक बदला राजा भैया का पूरा हुआ तो दूसरा बदला पुष्पेंद्र सरोज का पूरा हुआ, जिन्होंने विनोद सोनकर को हराकर अपने पिता इंद्रजीत सरोज की हार का बदला ले लिया। पुष्पेंद्र सरोज सबसे युवा सांसद हैं जो जीत के बाद राजा भैया के प्रति आभार जताना नहीं भूले। उनका काम काम आया, हमने उनके नाम से नहीं उनके काम से वोट मांगा, लोगों को उनका काम गिनवाया, उनका काम लोग जानते हैं और लोग उनको मानते हैं, लोग उनको कौशाम्बी का विकास पुरुष कहते हैं। सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि इतनी भारी भरकम आशीर्वाद और समर्थन कभी किसी नेता को नहीं मिला था। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी की राह में यही यूपी सबसे बड़ी रुकावट अटकाता दिखा है। सियासत के बदलापुर का केंद्र कई राज्य रहे, जिसमें महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और साथ ही जम्मू कश्मीर भी शामिल थे, जहां कई मिथक टूटे तो कई रिकॉर्ड भी बने। बिहार के पूर्णिया सीट की बात करें तो पप्पू यादव जोरों शोरों से चुनाव अपने दम पर लड़े और साथ ही जीते भी। इसके अलावा अगर एक और सीट का मैं यहां पर जिक्र करूं तो वो जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट रही, जहां पर जनता ने उस कैंडिडेट को जिताया जो चुनाव के वक्त जेल में बंद था। ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है, और ये बात पप्पू यादव ने पूर्णिया के रण को फतह कर साफ कर दी है। क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी में पप्पू यादव गाजे बाजे के साथ शामिल हुए थे, उस पार्टी ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। उनके विरोधियों ने उन पर ये कहते हुए आरोप तक लगाए कि वो वोट काटने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जब पूर्णिया में प्रचार करने गए थे तब खुलकर पप्पू यादव का विरोध करते नजर आए थे और यहां तक कह दिया था कि या तो जनता जेडीयू को चुन ले या फिर आरजेडी को चुन ले, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई, या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो, साफ बात। लेकिन पप्पू यादव में जीत की जिद थी, जिन्होंने पूर्णिया का चुनाव अपने सामर्थ्य से ऐसे मोड़ा कि जनता को पप्पू यादव के सिवाय कोई उम्मीदवार पसंद ही नहीं आया। आरजेडी ने पप्पू यादव के सामने जिन बीमा भारती को चुनाव लड़ाया वो नोटा से भी मुश्किल से जीत पाई। पप्पू यादव ने 23,000 वोट से चुनाव जीत कर न सिर्फ आरजेडी का अहंकार तोड़ा बल्कि कांग्रेस को भी संदेश दे दिया कि उन्हें कम आंकना बहुत बड़ी गलती थी। जनता हमेशा अहंकार को खत्म करती है, नहीं तो आज राहुल गांधी जी पीएम होते, आज 15 सीट हम और जीत सकते थे ना, एकदम 15 नहीं 18 भी जीत सकते। मैं चाहता हूं कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस बढ़े, कांग्रेस की सरकार हो। कांग्रेस को मजबूत करने में और नंबर वन करने में और कांग्रेस की सरकार बनाने में बिहार में हम अपनी पूरी ताकत लगाएं। इस चुनाव में एक बदला मीसा भारती ने भी लिया, जिन्होंने अपने चाचा राम कृपाल से 2014 और 2019 की हार का हिसाब 2024 में पूरा कर लिया। मीसा भारती ने राम कृपाल यादव को 85,174 वोट से हराया।